हेलो दोस्तों, ये सवाल हमें एक डाउट के रूप में मिला था। इस सवाल में बच्चों को ये डाउट आया कि यहाँ डिवाइड पहले करें या ये जो टू जो ब्रैकेट के साथ में इसे मल्टीप्लाई पहले करें। तो मैं आपको बता दूं कि टू का मल्टीप्लाई पहले हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टू से मल्टीप्लाई का आप बता रहे हैं वो ओल्ड मेथड हो चुका है। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिक्स के नीचे हम टू लिखेंगे, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से समझें, थ्री ए प्लस बी, ठीक है। इसके बाद आप देखो टू को थ्री से डिवाइड करो, टू को डिवाइड सिक्स में करेंगे सॉरी, और उसके बाद हम देखेंगे क्या आएगा, थ्री, ठीक है। और इसके बारे में क्या है, थ्री ए प्लस बी, तो हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। पहला मल्टीप्लाई होगा थ्री का थ्री से, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन होता है, और साथ में क्या है वेरिएबल ए, प्लस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और बी क्या होगा, थ्री बी। तो इस तरह इसका आंसर क्या आएगा हमारा, नाइन ए प्लस थ्री बी, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो इस तरह से नहीं होकर सिक्स डिवाइडेड बाय इसका सिक्स ए प्लस, क्या बता रहे हैं, सिक्स ए प्लस टू बी। तो आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहें, ये सवाल इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल टर्म है और ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, और ये मेथड जो हो गया है वो ओल्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे कतई ना करें, इस तरह से इसे सॉल्व करें, और आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू।